हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इडियन टेक यूट्यूब चैनल। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट रो इनविटेशन टू इंग्लिश रे थिबा फर्स्ट प्रोज स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ रो यूनिट थ्री रो वर्ड मीनिंग एवं क्वेश्चन आंसर विषय। तबे गला दुईटी वीडियो टॉपिक रे मु स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ प्रोज रो यूनिट वन एवं यूनिट टू रे थिबा वर्ड मीनिंग एवं क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन कर सारी जहाँकि मो चैनल वीडियो लिस्ट रे अच्छे जो मैंने देखी नौ सेठार जाई देखिपार। आज आम स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ रो यूनिट थ्री रो वर्ड मीनिंग एवं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा तेणुक वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख। जदि कौन डाउट रहे कमेंट कर जनाओ, वीडियो को लाइक करो एवं आवश्यक थिले निहांती भावे चैनल को सब्सक्राइब करो एवं यह अन्य मानको मध्ये शेयर करो। तेबे यूनिट थ्री रो प्रथम वर्ड मीनिंग होउची एक्सलेटेड। एक्सलेटेड रो इंग्लिश मीनिंग हला सोएड ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। यार ओडिया अर्थ हला गर्व और आनंद देखाइले। द्वितीय वर्ड होची ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट रो इंग्लिश मीनिंग होची शोइंग ग्रेट जॉय एंड सैटिस्फैक्शन। यार ओडिया अर्थ हला अत्यधिक आनंद और संतोष देखाइबा। तापर वर्ड होची हेटरेड। हेटरेड रो इंग्लिश मीनिंग होची डिसलाइक। यार ओडिया अर्थ हला घृणा। तापर वर्ड होची बोर। बोर रो इंग्लिश मीनिंग होची लुक्ड पॉइंटेडली। यार ओडिया अर्थ हला तीक्ष्ण दृष्टि रे चाहिबा। तापर वर्ड होची ब्रोएलेड। ब्रोएलेड रो इंग्लिश मीनिंग होची टू से समथिंग स्लोली विथ लंगर भोएल साउंडस। यार ओडिया अर्थ हला धीर कंठरे स्वर लंबेई कहिबा। तापर वर्ड होची क्रुकेडली। क्रुकेडली रो इंग्लिश मीनिंग होची डिसऑनेस्टली एवं यार ओडिया अर्थ हला चतुरतापूर्ण ढंगरे। तापर वर्ड होची रेमुनरेशन। रेमुनरेशन रेमुनरेशन रो इंग्लिश मीनिंग होची रिवार्ड। ओडिया अर्थ हला पाउणा। तापर वर्ड होची पाउंडिंग। पाउंडिंग रो इंग्लिश मीनिंग हला बीटिंग हेविली एंड रिपीटेडली। यार ओडिया अर्थ हला निर्घात माड़ देवा। तापर वर्ड होची इंपोर्टेंट फुरी। इंपोर्टेंट फुरी रो इंग्लिश मीनिंग होची पावरलेस बा फुटाइल एंगर माने ओडिया अर्थ हला शक्तिहीन बा असमर्थ। तापर वर्ड होची भानक्यूस। भानक्यूस रो इंग्लिश मीनिंग होची डिफिट कम्प्लीटली माने संपूर्ण भाव में परास्त होगा। बर्तमान आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। ते प्रथम प्रश्नटी होची व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट द नेरेटर डिड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ रेड। माने रेड प्रति लेखक जो भय थिला ता किभली भाव अल्प भाव दूर होता। तेरे यार उत्तर है द फर्स्ट थिंग दैट द नेरेटर डिड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ रेड वाज टू राइट ए पोएम अबाउट हिम। यार ओडिया अर्थ होची लेखक रेड विषय रे गोटे कविता लिखिते जहाद्वारा लेखक रेड प्रति थी भय अल्प भाव दूरीभूत होता। सेकेंड प्रश्न होची हाउ डिड द पीपुल इन द स्ट्रीट रेस्पोंड टू द पोएम। माने लेखक रेड प्रति लिखि कविताटी पढ़ी से साहिरे लोक मैंने किभली रेस्पोंड करते। तेरे यार उत्तर है द पीपुल ऑफ द स्ट्रीट लर्नड द पोएम बाय हेट। दे वेर फिल्ड विथ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। देर हेटरेड अफ फर रेड रोल द मोस्ट। यार अर्थ होला लेखक लिखि पोएम को से साहिर लोक मैंने हृदय सहित ग्रहण करते जहाँफल से माने बहुत आनंद और सतोष भाव देखते साहिरे जो शासन करुला रेड ता प्रति घृणा भाव देखते। क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन द एक्सप्रेसन ट्रायम्फेंट हेटेड। ट्रायम्फेंट हेटेड रर्थ एक्सप्रेस कर बोली एठार कह। तबे यार उत्तर है द नेरेटर्स पोएम अबाउट रेड फिल्ड द पीपुल इन द स्ट्रीट विथ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। दे गेव अप देयर फियर ऑफ रेड एंड एक्सप्रेस्ड देयर हेटेड फॉर हिम विथ ग्रेट सैटिस्फैक्शन। माने लेखक जो कविताटी रेड विषय लिखिते पढ़ी लोक मैंने हृदय सहित ग्रहण कले आनंद और सतोषपूर्ण देखते रेड प्रति घृणा भाव जाग्रत करते। क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड रेड स्नियर एट द नेरेटर। माने रेड लेखक प्रति किभरि आचरण प्रदर्शन करथिला। तेबार आंसर हला रेड एड्रेस्ड द नेरेटर एज ए पोएट स्लोली विथ ए मिस्चुवियस स्माइल ऑन हिज फेस। ही कमेंटेड फ्रांकली दैट एट लास्ट ही रूट वर्सेस एंड आस्कड इफ दे राइम्ड। माने रेड लेखक प्रति गोटे मिसबिहेवियर व्यवहार आचरण देखेला स्माइल देखेला एवं से कविताटा को राइमली गायबा भली प्रांकली आचरण करथिला।
माने व्यंग भाव रे से कविता टिकु गाइबा पई कहिथिला गाइथिला मध्ये। तापर क्वेश्चन फाइव रे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्स्ट एनकाउंटर विथ रेड, माने लेखक रेड प्रति जो एनकाउंटर करथिले तार रिजल्ट कोन मिलिला। तबे तार आंसर होची रेड स्टोक द नरेटर्स हेड विथ ए मेटल कवरिंग नकल डस्टर, एज ए रिजल्ट द नरेटर फेल डाउन विथ ब्लड फ्लोइंग आउट ऑफ हिज हेड एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ही वाज कन्फाइंड टू बेड फॉर सेवरल डेज, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्स्ट एनकाउंटर विथ रेड, माने लेखक रेड को जो एनकाउंटर करथिले रेड लेखक को मुंड को से नकल डस्टर रे बाड़े दीथिला एवं जहाँफल लेखक मुंडर गभीर आघात हो रक्त बोहिता और लेखक अचेत हो पड़ते एवं यही घटनार किस दिन पर्यंत से बेड रेस्ट नहीं थे जहाँकि लेखक रेड प्रति थिबा फर्स्ट एनकाउंटर रिजल्ट अटे। क्वेश्चन नंबर सिक्स रे दिस वाज माय फर्स्ट रेमुनरेसन एज ए पोएट, वाज द नरेटर हैप्पी विथ हिज रिवार्ड एज ए पोएट, माने लेखक रेड प्रति जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते फर्स्ट एनकाउंटर करते रेड तांकु जहाँ करिथिला रेमुनरेसन देथिला रिवार्ड देथिला लेखक से प्रति खुशी थिले कि तबे यार आंसर है द नरेटर वाज नॉट हैप्पी एट ऑल विथ हिज रिवार्ड एज ए पोएट, माने लेखक रेड प्रति जो कविता लेखि कवि भाव में कवि होते रेड लेखक को से कविता पढ़ी जो माड़ देते से लेखक खुशी नथिले। क्वेश्चन नंबर सेवेन रे व्हाट वाज ए मोर डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द नरेटर, लेखक कौन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन थिला, टू बी इंजर्ड बाय रेड रेड द्वारा आघात पाइबा और टू ओवरकम हिज फियर ऑफ रेड, माने रेड ठारु भयभीत दूर होगा व्हेन ही सॉ रेड आफ्टर हिज इंजुरी। तबे यार आंसर है ए मोर डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द नरेटर वाज टू ओवरकम हिज फियर व्हेन ही सॉ रेड आफ्टर हिज इंजुरी, माने लेखक इंजुरी रू मुक्त होगा पर माने जो इंजुरी होता रेड द्वारा भल होगा पर रेड प्रति लेखक भयभीत दूर हो गला लेखक आउ रेड को डरले ना। क्वेश्चन नंबर एट रे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज सेकेंड एनकाउंटर विथ रेड, माने लेखक जो रेड प्रति सेकेंड एनकाउंटर थिला तार रिजल्ट कौन होता तेरे तार आंसर है द रिजल्ट ऑफ हिज सेकेंड एनकाउंटर विथ रेड वाज हिज डिटर्मिनेशन टू डिफिट फ्योर ऑफ रेड डेस्पाइट सफरिंग सेम एंड एक्सप्रेसिंग इम्पोइंट फुरी एट इज कावाडाइस, माने जितेबले लेखक सेकेंड टाइम एनकाउंटर करते रेड को सेतेबले से भयरे हारी जाइथिले एवं लज्जा अनुभव निज प्रति करिथिले एवं निजकु जने कापुरुष भाव में ग्रहण करिथिले। तबे ये थिला आमर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ पाठर यूनिट थ्री वर्ड मीनिंग एवं क्वेश्चन आंसर विषय रे। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल।